भाषा को तंग करना बंद करो। पीएम सीएमओ मुर्दाबाद, पीएम सीएमओ मुर्दाबाद, भाषा को सताना बंद करो। भाषा को धमकी देना बंद करो। भाषा पर धमकी नहीं चलेगी, भाषा पर धमकी नहीं चलेगी। आशा वर्कर यूनिट जिंदाबाद, सीआरटी जो जिंदाबाद। आशा पर सभी हजार मीडियो फैसला को करो। आशा वर्कर यूनिट जिंदाबाद। स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट सीआईटी जू हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी जीजा शर्मा जी, अनु जी जनरल सेक्रेटरी, अनीता जी अनीता जी प्रेसिडेंट, आज जो हम यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से, हम ये बताना चाहते हैं सरकार को कि दो हफ्ते से आशा वर्कर काम छोड़ो हड़ताल पे। चार दिन पहले मिशन डायरेक्टर के यहाँ नगरोटा में प्रोटेस्ट किया, बाकी अलग अलग प्रोटेस्ट क्या बलौर, क्या आरएसपुरा, क्या हीरा नगर, बाकी एरियो में हो रहा है। आज हमने ये चुना कि जहां पर अपने मीडिया के माध्यम से मनोज सिंह से ये अपनी बात पहुंचाएं कि जो 18 से लेकर अभी तक जो इनकी बकाया राशि है, क्या डिलीवरी की बकाया राशि, क्या कोविड की बकाया राशि, बाकी कामों की राशि फौरी रिलीज किया जाए। डीएमओ सीएमओ धमकी देना बंद करे, इनको धमकी दे रहे हैं काम से निकाल लेंगे, हड़ताल पर क्योंकि अरे आपका एम्प्लॉय स्ट्राइक पे क्यों जाता है, ये तो किसी खाते में है ही नहीं, तो लिहाजा आपको धमकी देना बंद करनी चाहिए। इनका ऑर्डर भी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने किया है, बाकी स्टेटों में 8,000 6,000 10,000 12,000 मिल रहा है, वैसे ही जम्मू कश्मीर में जो स्टेट का मिनिमम वेज है 10,000 वो इम्प्लीमेंट किया जाए, जितने सेंटर का 26,000 मिनिमम वेज नहीं लागू करते। हम आपसे माध्यम से गवर्नर साहब जे कर जाते हैं, गवर्नर साहब आप इनको बुलाइए, ये रात दिन काम करती हैं। आपने कहा था कि कोविड में टाइम में आशा वर्कर अगली कतार में थे और आपका रेपुटेशन बना, सब डिपार्टमेंट का रेपुटेशन बना। मोदी जी भी कहते हैं आशा वर्कर अगली कतार में थे, ये बॉर्डर में अगली कतार में रहते हैं, तो अभी अपनी मेहनत लेने में पिछली कतार में क्यों, इतना ही आप कह के आपके माध्यम से आपका शुक्रिया। जी क्या कहेंगे आप? बस मेरा यही कहना है कि जब तक हमारा ये मसले हल नहीं होते तब तक हम स्ट्राइक पे रहेंगे और पूरे जम्मू कश्मीर में हमारी आशा जो है वो स्ट्राइक पे उतरेगी, वो काम नहीं करेगी। जितना भी तंग करे बीएमओ सीएमओ जो भी हमें तंग करेगा, हम काम नहीं करेंगे, हम स्ट्राइक पे रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। हमारी अपील यही है गवर्नर साहब से कि अगर वो हमारी मीडिया के द्वारा अगर वो आवाज सुन रहे हैं हमारी, तो हमारा मिनिमम वेज हमारा 26,000 बनता है। अगर जब तक वो नहीं दे सकते तो बाकी स्टेटों में जो मिल रहा है 10-10,000, तो इंश्योर सेंटिव हमें वो 10,000 दिया जाए और प्लस जो इंसेंटिव हमें देते हैं, अदर इंसेंटिव देते हैं, तो उसको भी डबल किया जाए। मेरी गवर्नर साहब से यही अपील है, हम बार बार यही अपील करेंगे, हमारे साथ बात करिए और हम भी सफर में ना हों। धन्यवाद। वर्कर यूनिटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आशा वर्कर।